अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वकास हियर विद अनदर वीडियो। और आज इस वीडियो में हम MI का Redmi Note 9A डिस्कस करने वाले हैं। और इस डिवाइस को MI ने लॉन्च किया है इन जस्ट 14,600 रुपीस। और इसमें हमें प्रोवाइड किया गया है हीलियो का G25 प्रोसेसर। ये एक न्यू प्रोसेसर है MediaTek की तरफ से। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसकी परफॉर्मेंस की, इसका कैमरा कैसा है, इसका बेंचमार्क कितना है, और क्या आपको इतनी प्राइस रेंज में इसको लेना चाहिए या फिर नहीं। सो इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आकाश, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी चंक्स। लेट गेट स्टार्टेड। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल सके। सबसे पहले बात करेंगे इसकी बिल्ड क्वालिटी को लेकर। तो बैक साइड पर हमें मिलती है प्लास्टिक बॉडी विद द मैट फिनिश, और यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी जो है वो हमें प्रोवाइड की गई है सेम एज जो कंपनीज हमें प्रोवाइड कर रही हैं विद इन 17,000 रुपीज़ या फिर 18,000 रुपीज़। सो दिस इज़ अ मैट फिनिश। और यहाँ पर जो है वो फिंगरप्रिंट जो हैं वो अब्जॉर्ब कम होते हैं, तो यहाँ पर मैट फिनिश है। और अगर आप इसको यूज़ करेंगे विदाउट कवर तब भी इसमें स्क्रैचेस हैं वो कम बढ़ रहे हैं। और अगर बात करें आप यहाँ पर फिंगरप्रिंट्स की तो वो भी कम अब्जॉर्ब हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर अगर आप इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं विदाउट कवर तो यहाँ पर स्क्रैचेस बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अगर आप इसको यूज़ करते हैं विद अ स्वेटी हैंड तो यहाँ पर जो है वो इसको बड़े आराम के साथ अब्जॉर्ब करता है। मुसलसल यूज़ के बाद डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर्टी होती है। सो आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसके लिए केस ज़रूर यूज़ करना चाहिए, या फिर आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं एक प्रोटेक्टिंग लेयर जो कि आप नॉर्मल किसी भी मार्केट से इसके ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। इसकी बात करें तो यहाँ पर बैक साइड पे हमें मिलता है 13 मेगापिक्सल का एक सिंगल कैम, और इसके बिल्कुल नीचे हमें मिलती है LED फ्लैश। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पर हमें वाटर ड्रॉप नॉच में एक सेल्फी कैम मिल रहा है जो कि है 5 मेगापिक्सल का। इमेज क्वालिटी की कुछ बात करें तो यहाँ पर इसी डिवाइस से मैंने कुछ इमेजेस क्लिक की हैं, और इमेज क्वालिटी जो है वो अपने प्राइस टैग के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 14,600 रुपीज़ में कंपनी हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा कैमरा जो है वो प्रोवाइड कर रही है। मैंने यहाँ पर जो इमेजेस क्लिक की हैं वो सनसेट के करीब थी, सो यहाँ पर इमेज क्वालिटी लो लाइट में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोवाइड की गई है। बट अगर बात करें हम इमेज की डिटेलिंग की तो यहाँ पर इमेज की कुछ हमें खास डिटेल नज़र नहीं आती बिकॉज कंपनी ने हमें यहाँ पर डेप्थ सेंसर प्रोवाइड नहीं किया। तो अगर कंपनी हमें यहाँ पर डेप्थ सेंसर भी प्रोवाइड करती तो इमेज की जो क्वालिटी है वो उससे भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी, बिकॉज यहाँ पर हमें इमेज की जो डिटेलिंग है वो और ज़्यादा नज़र आ सकती थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पोर्ट्रेट मोड में तो विद द सिंगल लेंस यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर मैंने इमेजेस क्लिक की हैं नॉर्मल मोड, बट कैमरा जो है वो ऑटोमेटिक फोकस करने के बाद जो बैकग्राउंड है उसको ब्लर कर देता है और पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर जो ये इमेज मैंने आपके सामने दिखाई है ये पोर्ट्रेट मोड नहीं बल्कि ये नॉर्मल मोड है, बट कैमरा जो है वो इसको ऑटोमेटिक पोर्ट्रेट मोड में कन्वर्ट कर रहा है। सो यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड तो बहुत ज़्यादा शानदार है इस प्राइस टैग में, लेकिन अगर बात करें इमेज डिटेलिंग की तो यहाँ पर थोड़ी सी मार्क आई है इस डिवाइस ने। बट ओवरऑल अगर बात करें कैमराज की तो प्राइस टैग के लिहाज से कैमरा यहाँ पर आउटस्टैंडिंग है। इस डिवाइस का बेंचमार्क चेक किया है और वो मुझे मिला है 85,248। इस डिवाइस में हमें MI ने प्रोवाइड किया है हीलियो का G25 प्रोसेसर। ये एक MediaTek का न्यू प्रोसेसर है। और यहाँ पर अगर हम देखें प्राइस टैग के लिहाज से तो इसका जो बेंचमार्क है वो फिर भी ठीक है। P सीरीज़ के प्रोसेसर हैं हीलियो P35 वगैरह, इनकी और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके दरमियान कोई 19-20 का ही फ़र्क है। बट वो जो प्रोसेसर है वो 20+ जो डिवाइसेस हैं रेंज में उनमें आता है, लेकिन यहाँ पर Redmi ने हमें 14,000 की रेंज में ये प्रोसेसर प्रोवाइड किया है। दूसरी अगर हम बात करें यहाँ पर परफॉर्मेंस की तो PUBG जैसे गेम में आप यहाँ पर ईजिली खेल सकते हैं, अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हैं, बट नॉट ऑन हाई ग्राफिक्स, लो ग्राफिक के अंदर आप इसको अच्छा खेल सकते हैं। सॉफ्टवेयर की तो यहाँ पर हमें एंड्रॉयड वर्जन जो है वो 10 प्रोवाइड किया गया है बिल्ट इन इस डिवाइस में। और इसके अलावा अगर हम बात करें MIUI की तो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है 12.0.1। इसके अलावा यहाँ पर जो कंट्रोल सेंटर है यानी कि आपकी जो शॉर्टकट कीज़ होती हैं और इसके अलावा आपके जो नोटिफिकेशंस होते हैं उनको अलग अलग कर दिया गया है। अगर आपको यहाँ पर निकालना है अपने कंट्रोल सेंटर को तो हमें यहाँ पर राइट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा
और अगर आप चाहते हैं अपने नोटिफिकेशंस को निकालना तो हमें यहाँ पर लेफ्ट साइड से स्वाइप करना पड़ेगा। बाकी कंपनीज जो हैं वो ये दोनों चीज़ें एक ही साइट पे प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है नोटिफिकेशन या फिर कंट्रोल सेंटर, तो वहाँ पर आप जब स्वाइप डाउन करते हैं तो उसके साथ ही आपको दोनों चीज़ें मिलती हैं। बट यहाँ पर इन्होंने इन दोनों चीज़ों को अलग कर दिया है जो कि इसको ईजी बना देती है। इसके अलावा अगर हम बात करें वीवो के डिवाइसेज में, तो वीवो ने हमें जो कंट्रोल सेंटर है वो दिया है डाउन साइड में, और इसके अलावा नोटिफिकेशन जो आते हैं वो हमें अपसाइड से मिलते हैं। सो दैट्स वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगली वीडियो में मैं कंपैरिजन करने वाला हूँ बिटवीन रियलमी C11 और रेडमी 9A, और हम बात करेंगे इन दोनों डिवाइसों में से आपको कौन सी डिवाइस खरीदनी चाहिए, बिकॉज दोनों ही लो बजट डिवाइसेज हैं और इनमें जो प्रोसेसर हैं वो बिल्कुल न्यू प्रोसेसर हैं और दोनों के ही प्रोसेसर जो हैं वो गेमिंग हैं। सो अगली वीडियो में मैं बात करूँगा कि इतनी रेंज में आपको दोनों में से कौन सी डिवाइस खरीदनी चाहिए। तो अगली वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।